मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास 21 इंच का एक टीवी है, सैमसंग का टीवी है, अल्ट्रा स्लिम का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा, सोल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। मैं टीवी पे जब पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है वो पावर इंडिकेटर तो जल जाता है, लेकिन जलने के बाद हमारा पिक्चर भी आ जाता है, स्क्रीन पे लाइट आ जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारा रिट्रेस लाइनों के पिक्चर आ रहा है, और दोस्तों साइड पर देखिए हमारा कलर का पैचिंग भी हो गया है। मतलब दोस्तों इसका एच टी वी का दोनों प्रॉब्लम है, जो एक तो हमारा रिट्रेस लाइन हो गया है, उसके बाद एक कलर पैचिंग का भी प्रॉब्लम है। एक तो हमारा हाई वोल्टेज जो 180 वोल्ट 200 वोल्ट होता है उसका मिसिंग है, और जो हमारा कलर पीटीसी का प्रॉब्लम है, वो पीटीसी खराब होने जाने से भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। डिगोजिंग कॉयल भी खराब हो जाने से ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहिए और मैं इसका सोल्यूशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा अल्ट्रा सिम का जो ट्यूब होता है, ये वाला ट्यूब, और ये रहा हमारा जो किट है, सैमसंग का अल्ट्रा सिम का किट है ये। और इसका प्रॉब्लम दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा। जो हमारा रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम आता है, वो हमारा ज़्यादातर हमारा जो कलर फिल्टरिंग होता है, जो बेसबोर्ड पे कलर फिल्टरिंग होता है, वो कलर फिल्टरिंग हमारा जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज हमारा मिसिंग हो जाने से ये वाला प्रॉब्लम होता है। उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं टीवी को पावर दूँगा। पावर देने के बाद जो हमारा वोल्टेज तैयार होता है, जो वोल्टेज तैयार होता है वो वोल्टेज को दिखा दूँगा आप लोगों को। उसके बाद जो वोल्टेज हमारा मिसिंग होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेंगे, तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी पे लाइन पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद मैं देखूँगा इसका कौन सा वाला वोल्टेज हमारा मिसिंग हो गया है, इसीलिए जो हमारा रिट्रेस लाइन होकर पिक्चर आ रहा है। उसके लिए दोस्तों क्या करूँगा, पहले ये वाला जो हमारा जो मेन वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जो हमारा देखिए 120 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा ईएसटी स्टार्टिंग के लिए जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज है। उसके बाद ये वाला जो वोल्टेज होता है हमारा रेगुलेटर के लिए 12 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज है। तो हमारा रेगुलेटर स्टार्टिंग हो रहा है, इसीलिए हमारा जो सिस्टम आईसी है वो सिस्टम रन हो रहा है। उसके बाद एक वोल्टेज होता है जो हमारा साउंड सिस्टम के लिए होता है, जो 18 वोल्ट, जो हमारा साउंड आईसी के लिए सप्लाई दिया जाता है। दोस्तों हमारा पावर सेक्शन तो सही है, इसीलिए हमारा टीवी चालू है। उसके बाद जो होता है, मैं रेगुलेटर सिस्टम को भी वोल्टेज दिखा देता हूँ। रेगुलेटर सिस्टम का जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, और एक वोल्टेज होता है जो हमारा सिस्टम को रेगुलेटिंग करके हमारा सिस्टम को चालू करता है। उसके बाद मैं आता हूँ कहाँ पे, जो हमारा ये वाला जो ईएसटी होता है, ईएसटी पे हमारा जो मेन वोल्टेज आता है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट आने के बाद जो हमारा वोल्टेज तैयार होता है, एक तो हमारा हीटर का वोल्टेज तैयार होता है, वो हमारा एसी पे रहता है, और जो वोल्टेज तैयार होता है, एक तो माइनस पे वोल्टेज तैयार होता है 14 वोल्ट, और प्लस 14 वोल्ट तैयार होता है 15 वोल्ट, जो हमारा वर्टिकल आईसी के लिए सप्लाई दिया जाता है। वो वोल्टेज तो हमारा सही है, इसीलिए हमारा जो लेंथ का, जो अप डाउन का लेंथ का जो पिक्चर है, वो पिक्चर हमारा सही आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखिए, इस वाला ईएसटी से और एक वोल्टेज निकलता है जो हमारा 180 वोल्ट होता है। ये वाला पिन पे देखिए हमारा ईएसटी से निकल रहा है, देखिए हमारा 150 वोल्ट दिखा रही है। ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज हमारा जाता है बेसबोर्ड पे। ये वाला जो हमारा काला सा पट्टा है, ये वाला काला सा पट्टा पे हमारा 180 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट दिखा रही है। मतलब हमारा जो 180 वोल्ट ईएसटी से तैयार होता है, वो ईएसटी से वोल्टेज निकाल के हमारा आता है बेसबोर्ड पे, वो वाला बेसबोर्ड पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस वाला जो ट्रैक है, ये वाला जो काला सा जो ट्रैक है, इस ट्रैक को चेक कर लूँगा। इस वाला ट्रैक पे जो हमारा पॉइंट पे हमारा देखिए वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज देखिए हमारा वोल्टेज है, लेकिन दोस्तों इस ट्रैक पे लास्ट पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं है, ये 13 वोल्ट आ रहा है। इसके लिए दोस्तों क्या करूँगा, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे मैं चेक करूँगा जो कहाँ पे ये ट्रैक खराब हो चुका है। इस ट्रैक को मैं क्या करूँगा, एक वायर लेके जंपिंग कर दूँगा। जंपर कर देने से हमारा ये वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे, और हमारा जो रिट्रेस लाइन का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वायर लेके मैं जंपिंग कर देता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, इस वाला जो हमारा जो पॉइंट है,
ये वाला जो काला सा हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को मैंने वायर से कनेक्ट करके मैं जंपिंग कर दिया हूँ। उसके बाद मैं टीवी पे लाइन देता हूँ, जो पावर देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा टीवी चालू हो जाता है। चालू होने के बाद जो वोल्टेज इस वाला सोर पे है, इस वाला पॉइंट पे है, इस यही वोल्टेज हमारा आएगा इस वाला पॉइंट पे। देखिए हमारा इस वाला पॉइंट पे आ गया है, और जो हमारा टीवी का पिक्चर है वो सही हो गया है। मैं ये टीवी को घुमा के आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारा डिगोजिंग का प्रॉब्लम है, कलर पैचिंग का एक प्रॉब्लम आ चुका है, वो प्रॉब्लम कहाँ से रिप्लेस होगा। जो हमारा पावर सेक्शन का एक PTC लगाया हुआ है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। पावर सेक्शन पे ये वाला जो हमारा एक PTC लगाया हुआ है इस वाला पॉइंट पे, ये वाला PTC को मैं चेंज कर दूंगा। ये PTC हमारा ख़राब हो चुका है। उसके पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिगोजिंग कॉयल है, जो हमारे ट्यूब पे डिगोजिंग कॉयल लगाया हुआ है, ये डिगोजिंग कॉयल को अच्छी तरह से चेक करना होगा। जो हमारा मीटर पे हमारा ओम्स पे रख के हमारा बाजार बजेगा तो हमारा वो कॉयल सही रहेगा। देखिए दोस्तों, ये वाला जो हमारा PTC है, PTC हमारा ख़राब होता है। उसके पहले मैं डिगोजिंग कॉयल को चेक कर लूँगा। चेक करने से पता चल जाएगा हमारा PTC ख़राब है या हमारा डिगोजिंग कॉयल ख़राब है। देखिए दोस्तों, हमारा PTC का जो डिगोजिंग कॉयल है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है, मतलब हमारा डिगोजिंग कॉयल सही है। ये वाला जो PTC है, PTC को मैं चेंज कर दूंगा। चेंज करने से हमारा जो कलर पैचिंग का साइड का जो कलर है पैचिंग का, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं PTC को चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने ये वाला जो पुराना वाला PTC था, ये PTC को मैंने चेंज करके नया वाला PTC लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं PCB को कनेक्ट कर दूंगा, जो हम जैसे मेरा TV पे था वो कनेक्ट कर दूंगा। और आगे से आप लोगों को पिक्चर दिखा दूंगा, जो हमारा मैग्नेटिंग का प्रॉब्लम था, कलर पैचिंग का, वो वाला प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। और जो हमारा रिट्रेस लाइन का आ रहा था, वो TV पे सादा सा रिट्रेस आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा कहाँ से आया था, जो हमारा 180 वोल्ट का जो मिसिंग का प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम से हमारा जो रिट्रेस लाइन आया था। ठीक है, मैं टीवी को घुमा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को आगे से घुमा लिया हूँ। घुमाने के बाद मैं क्या करूँगा, टीवी पे लाइट पावर दे दूँगा। पावर देने के बाद जैसे मेरा इंडिकेटर जलना चाहिए वो जल रहा है। उसके बाद मेरा टीवी पे जो रिट्रेस लाइन आ रहा था, जो हमारा कलर पैचिंग और रिट्रेस लाइन था, देखिए दोस्तों, हमारा जो रिट्रेस लाइन था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। और हमारा टीवी पे जो स्नो आना चाहिए वो स्नो आ चुका है। और साइड पे जो हमारा कलर पैचिंग का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों, जो आज का प्रॉब्लम था वो हमारा रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम था। वो रिट्रेस लाइन आ रहा था हमारा जो 180 वोल्ट का जब मिसिंग था, वो वाला प्रॉब्लम से हमारा रिट्रेस लाइन आ रहा था। और जो हमारा कलर पैचिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, वो हमारा PTC खराब कॉयल का, जो PTC है डिगोजिंग कॉयल का, वो PTC हमारा ख़राब हो जाने से इस वाला प्रॉब्लम आया था। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इसको AB से ट्रांसफ़र कर दूँगा। AB मुठ से ट्रांसफ़र कर देने से हमारा जो सिस्टम है वो हमारा पिक्चर आ जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारा जो केबल का जो पिक्चर आना चाहिए सेटअप बॉक्स का, वो आ चुका है। मतलब दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।